तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे बीसी गेमर। तो भाइयों आ गए वापस अपने नई वीडियो के साथ, और आज का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा हटके होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत दिनों के बाद मिलिट्री बेस उतर रहे हैं और आसपास ढेर सारे बंदे हमें मिल जाती है। फिलहाल के लिए तो M4, और सच बताओ तो आसपास काफ़ी ज़्यादा बंदे है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे को तो भाई ये फर्स्ट टाइम के लिए तो भाई हैकर ही लगता है, क्योंकि उस जगह से सीधा यहाँ पे आता है तो भाई मैं डर जाता। फिलहाल तो इसके पास गन ही नहीं थी, इसलिए वो मर गया है। और आसपास काफी ज्यादा बंदे हैं जो कि मेरे ऊपर रश मारने वाले हैं। तो देखो, ओह माय गॉड, वाओ, ए फ्यू मिनट्स लेटर। कैसा लगा मेरा मजाक? इसका जो पार्टनर था वो तो भाई अलग ही था, क्योंकि वो मेरे साथ नाच गाना कर रहा था। उसका जिगल और मेरा जिगल सेम टू सेम, मतलब वो जब लेफ्ट हो रहा था वो राइट, मतलब भाई आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये जो बंदा था, अच्छा हुआ कि ये नूबड़ा खानदान था, मतलब भाई ये नूबड़ा बंदा था, इसलिए भाई मैं बच गया, नहीं तो भाई मैं एक ही गोली का था। उसके पास P90 बेजल थी, और एक गोली में मैं यहीं पे पेटी बन जाती थी मेरी, और उसने भाई एक गोली मारी ही नहीं, तो यहाँ से निकलती और बंदी थी। हाँ तो गाइस, जो पूरे मिलिट्री बेस का सबसे मेन बंदा था वो था ये वाला, मतलब ये टावर के ऊपर जाके बैठ के इतना, मतलब इतने बंदे पेल रहा था, वो मुझे दूर से दिखाई दे रहा था। और मुझे लगा कि भाई इस बंदे को भाई पेलना है, क्योंकि ये हमारे ऊपर भी भारी पड़ सकता है। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा दूर था, और मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा था। मैं हेड कनेक्ट करता हूँ और उसे मार देता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। इसी के लिए लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है गाइस, प्लीज़ कर दो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मिलिट्री बेस में और बहुत सारे बंदे हैं, और कुछ बंदे हमें ऐसे मिलते हैं जो सच में नशे करके आए थे। तो गाइस, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाती है, और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि नशीली बंदे मिलिट्री बेस में आने वाले हैं, और वो बंदे आ भी चुके। एक गाड़ी से आए हैं नशीली बंदे, यहाँ के भाई इनका थोड़ा अलग ही दिमाग चल रहा था। मैं एक बंदे को नॉक करने की कोशिश करता हूँ, और नॉक हो ही जाता है, पर जो मिलिट्री बेस में थे, मतलब जो उनको मारने की कोशिश कर रहे थे मिलिट्री बेस में, वो मुझे बॉट समझ रहे थे। वतन में सिंगल गन से मार रहा था, इसलिए वो मुझे बॉट समझ रहे थे। मैं इसी का ही फायदा उठा के देखो कैसे खेलता हूँ। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइज, ये वाले बंदे उन वाले बंदों से लड़ रहे हैं, और वो वाले बंदे इन वाले बंदों से लड़ रहे हैं, और वो मुझे बहुत समझ रहे हैं। उनको अच्छी तरीके से मेरे फुट से पा रहे हैं, उनको आवाज़ भी आ रही है, पर वो मुझे बहुत समझ रहे हैं, और मैं इसी का फायदा उठा के कैसे पेलता हूँ। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हाँ तो वो बंदा सीधा आता है मुझे मारने के लिए, और उसको लगता है कि एक बॉट है और मैं इसे आराम से मार दूंगा, पर वो बॉट नहीं था, वो मैं ही था, और उसको मैं आराम से भर देता हूँ। तो सामने दो बंदे हैं जिनको मुझे आराम से मारना, और वो बंदे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी बंदा बाहर निकले और हम उसे मार दें। वो बंदे जो है वो मेरा पूरा जोन ब्लॉक करके बैठे थे, मतलब वो पहाड़ी पे थे और मैं मिलिट्री मतलब इस घर में था, तो मैं अगर ओपन में जाता तो भाई वो मुझे इजीली मार सकते थे, क्योंकि वो दो थे और मैं अकेला। यहाँ तो फिलहाल के लिए आता है बॉट। यहाँ पे भी मुझे मिल जाता है और एक बॉट, और इसी के साथ मेरे 10 किल हो जाते हैं। जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो,
और बस यही है। और ये जो बंदे रहते हैं मुझे काफ़ी देर तक परेशान करते हैं, मैं इनको बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, एक दो तीन बार नॉक भी करता हूँ पर वो रिवाइव हो जाते हैं कवर में जाके जल्दी से जल्दी, पर उनका वेस्ट हेलमेट में पूरा डैमेज कर जाता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और मेरा भी वेस्ट ऑलमोस्ट डैमेज था थोड़ा सा, तो मैं वेस्ट ढूंढने निकल जाता और वेस्ट मिलने के बाद उनको मारने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। हाँ तो उस जगह से आने के बाद मैं इस जगह पे आता हूँ क्योंकि भाई मुझे अच्छी तरीके से लोकेशन मिल जाए उनकी। वो बंदे यहीं पे पहाड़ी पे कहीं तो थे पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, एक राइट में था और एक लेफ्ट में था, इसलिए मुझे संभाल के खेलना पड़ेगा। मैं जाता तो टावर पे भी जा सकता था पर मेरे पास स्नाइपर नहीं थी और मेरे पास 4x था और मैं दूर से मारता तो गाइज उनको निशाना लगता है नहीं और डैमेज कम से कम पड़ता है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि भाई डैमेज कम लगे। मैं चाहता था कि भाई पीछे से जोन आ रहा है, मैं जल्दी से उन्हें मार दूँ कुछ भी करके और मैं इसी काम पे लग। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसको मैं क्योंकि भाई वो बंदा मुझे काफ़ी देर तक परेशान कर रहा था और मैंने सोचा कि भाई अभी मतलब क्लियर ही कर दूँ इसका कार्यक्रम, तो वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा था, तो वो भी मुझे आराम से मार सकता था पर मेरे पास M4 थी, उसके पास P90 बेजर, भाई M4 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन है, उस गन से तो ज़्यादा ही है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, यहाँ पे एक बंदा निपट गया है, एक बंदा रह गया है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी मार देंगे। फाइनली ये भी बंदा मर जाता है क्योंकि ये बंदा मुझे काफ़ी देर तक परेशान कर रहा था और मैंने काफ़ी बार इसे नॉक कर दिया था और बहुत ज़्यादा डैमेज भी दिया था, इसलिए एक ही हेड में मर गया था क्योंकि इसके पास जो हेलमेट था वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था और मैंने बहुत देर तक इसे मारने की कोशिश की। फाइनली ये दोनों भी बंदे यहीं पर टपक गए। वैसे मेरे पास लूट की कमी भी नहीं थी क्योंकि लूट आजू बाजू में मैंने बहुत ज़्यादा पेटियाँ की थी और बहुत सारी लूट थी, इसलिए वही मरना था, उनको ही मरना था, पर वो मुझे आराम से मार सकते थे रश करके भी क्योंकि वो दो थे और मैं अकेला। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमने उनको मार दिया है, चलो यहाँ से। हाँ तो गाइस हम वहाँ से सीधा यहाँ पे आते हैं और मुझे पता था कि अपार्टमेंट में बंदे होंगे ही होंगे और यहाँ पे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्कैम होता है और भगवान करे ऐसा स्कैम किसी के साथ भी ना हो, किसी भी पबजी प्लेयर के साथ ना हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही सीन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन देने वाला सीन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेट करने के बाद और बहुत ही ज़्यादा चकमा देने के बाद मैं परेशान आके उन पे रश कर देता हूँ और मुझे तीन, आप आराम से देखो यहाँ पे फुटसेफ कितने हैं, फुटसेफ है सिर्फ और सिर्फ 3 और यहाँ पे यही स्कैम होता है देखो। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि बंदे हैं 3 क्योंकि फुट से कितने आ रहे हैं 3 और साउंड भी कितना आ रहा है, मुझे तीनों का साउंड आ रहा है मेरे हेडफोन में और यहाँ पे अलग ही सीन होता है। अब देखो नहीं मतलब हुआ क्या, यहाँ पे बंदे थे 3, फुट से भी थे 3, बंदे 4, मतलब आप देख सकते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं बंदे निकले 4 और फुटस्टेप, चौथा फुटस्टेप आया ही नहीं भाई मेरे पास, पता नहीं कैसे चौथा फुट से पाया ही नहीं, एक पता नहीं कौन सा स्कैम था भाई, क्या ही बताए भाई। मैं वीडियो निकाल रहा हूँ तो भाई मुझे गुस्सा आ रहा है इतना ज़्यादा कि भाई ये कैसा स्कैम है और किसी के साथ हुआ या नहीं ये मुझे कमेंट में बताओ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं ये